सीता तेरा होंदा ही रोंदा मन मेरा नहीं कड़ी भी बोंदा याद तेरी विच मेरे सजना किए नाड़ू चम चम चौंदा जरूर कुछ फौजी आस्ते ते मता कुछ लिखे दा ते पिछे रही जांदियां फौजना उंदे आस्ते कख नहीं लिखे दा ते क्यों नहीं ट्राई करो ते फिर उन्हें लिखिया ते मैं कंपोज कीता मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्लां चेते आउंदियां दिखां तेरी फोटो अखां मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्लां चेते आउंदियां सच गया कि बंदे चली जांदे ने फिर गल्लां के चेते आउंदियां ने हां जी लेकिन जंदे कुत्थे हैं जंदे ना पुआर जंदे ना जिधरा आदमी का जन्म होना हो कैंसल हो गई छुट्टियां करके आना हो कैंसल हो गई छुट्टियां करके आना हो। नमस्ते आऊं दीपक सिंह ते तुस दिखा कर दियो दैनिक स्टेट समाचार आखदे ने जिस थाले च खाना ओदे च छेद नहीं करना लेकिन साढ़े जम्मू के कुछ लोग हैं जिहड़े जिस थाली च खा करदे ने ओदे च के छेद करा करदे ने अपने कल्चर की प्रमोट करना चाहिए है लेकिन कई लोग इग्नोर करदे ने वो कोई बाहर के लोग नहीं साढ़े जम्मू के गए साढ़े जम्मू के नवे नवे कलाकार जिहड़े ने वह उभरिए सामने आवा करदे ने पूरी मेहनत करा करदे ने इत्थे तकर कि उन्हेंगी ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं है लेकिन वो बावजूद भी वो अपने कल्चर की प्रमोट करने आस्ते और अपनी प्रतिभाएं की प्रमोट करने आस्ते हर संभव प्रयास करा करदे लेकिन साढ़े लोग थोड़े जे पता नहीं कि कन्फ्यूजन या अपने कल्चर की प्रमोट करने आस्ते की पिछे हैं लेकिन अज अस एक शख्सियत कन्नै तुसें मिलाने जा करने सुमित खजूरिया और साढ़े कन्नै विराजमान हैं इंदे कन्नै गल्लबात करगे इंदे कोला गाने भी सुनगे लेकिन इंदे बारे की थोड़ा जिहा अस तुसेंगे सुनाई ओड़ने आ ये ओल्ड म्यूजिक कंपोजर हैं जम्मू दे के और एदे अलावा इंदा एक गाना हा काफ़ी फेमस होया जम्मू तवी और इन्हें एक नवा गाना भी हुण नवा नवा रिलीज़ किया है फोटो फोटो ए पिछे लगे दा एक फोटो ये के फोटो है लेकिन अस तुसें गी क्लोजअप करिए दसगे तुसें देखो ये फोटो और एदे अलावा एक गाना है इंदा फौजी फौजी गाना भी जेड़ा है काफ़ी पॉपुलर होया और इंदे कन्नै गल्लबात करगे सुमित जी तुहाड़ा मता मता धन्यवाद कि तुसें असें गी अज्ज मौका दिता और गल्लबात करने आस्ते टाइम दिता है धन्यवाद तुहाड़ा भी कि तुसें टाइम कड्ढिए मेरे आस्ते स्पेशल आए हो मता मता धन्यवाद तुहाड़ा जी अच्छा अपने पहले नवे गाने दे बारे थोड़ा सुनाओ हां केड़ा नवा गाना आया ठीक है जी ये नवा गाना कढ़िया इहदा नाम है फोटो फोटो एक ट्रिब्यूट है जेडे लोग बेचारे नानक के कोरोना दे विच चलीए कोई गिनती ही नहीं आई इन्हें लोगों की तो असें अपने घर च भी दिखिया कि जिले लोग चली जाते हैं खाली फोटो टंगोई दी रही जाती है अच्छा अस बस उस ही फोटो के दिखते रहे कन्नै गै रास्ता रहा साड़ा तो इसे सोच की जड़ा है तो वह दिमाग च आया तो मेरे फादर साहब ठीक नहीं हैं तो अस्पताल है तो उत्थे गए अस्पताल गए मुलाकात हुई कुसे होर कन्नै और मेरे फादर साहब ट्रीटमेंट करा दे अं बैठे बाहर तो लिख मैं लिखता रहा कुछ कुछ तो मैं लिखा दा हा तो इन्ने चिर एक उत्थे सज्जन आईए उनका नाम बिशन सियाल है अच्छा उत्थे अस्पताल च गए काम करते हैं तो उन्हें आख्या जी के लिखा दो तुस राइटर हो मैं राइटर नहीं हाँ मैं म्यूजिक कंपोजर हाँ उन्हें आख्या आओ ये मेरे मित्र ने विनोद और असें इं गए अपनी भैन वास्ते किसी लिखे दा तो वह गुजरी दी करोना दौरान गए अच्छा तो फिर दो आइडिए जेडे मिलीए तो फिर अस लोग मिले तो असें इसी फिर प्रॉपर शेप दी लिखना अलग चीज़ है फिर कंपोज करना अलग चीज़ है एक गाया तुसें गे है कि ए मैं पहली बार उन्हें चांस देता है ऑल दो ए मेरे चैनल पर गया है मैं उन्हें चांस देता है बिशन सियाल और डेब्यू उनका डोगरी गाना है अच्छा हाँ जी ये तुस भी सारे दर्शकों की सुनाई सकते हो गाइए हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जरूर ये सुनाओ दो चार बोल के सही लेकिन ठीक है सर दिखा तेरी फोटो अखा मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्लां चेते आउंदियां दिखा तेरी फोटो अखा मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्लां चेते आउंदियां तेरे बाजू हुण साड़ा लगदा नी जी
अज पता लगे आप छोड़ा होंदा की तेरे बाजू हुन साड़ा लगदा नी जी अज पता लगे आप छोड़ा होंदा की दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्लां चेते ओनियां प्यारी प्यारी गल्ला तेरियां छुड़ते आउंदियां चली जांदे बंदे गल्ला चेते रोंदियां प्यारी प्यारी गल्ला तेरियां चेते आउंदियां चली जांदे बंदे गल्ला चेते आउंदियां दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्ला चेते आउंदियां रोंदे तेरे भाई कन्ने रोंदी तेरी मां हर वेले मिकी चेता आंदा तेरा नां रोंदे तेरे भाई कन्ने रोंदी तेरी मां हर वेले मिकी चेता आंदा तेरा नां दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्लां चेते ओनियां रोंदे तेरे चाचे मामे रोंदी तेरी मां सब कुछ बोता पर खाली तेरी थां रोंदे तेरे चाचे मामे रोंदी तेरी मां सब कुछ बोता पर खाली तेरी थां दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्ला चेते ओनियां दिने तेरी बाला राता अखां सोंदियां चली जांदे बंदे गल्ला चेते ओनियां दिने तेरी बाला राता अखां सोंदियां चली जांदे बंदे गल्ला चेते ओनियां दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्ला चेते ओनियां दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां चली जांदे बंदे गल्ला चेते ओनियां ये गल तो सच गया है कि बंदे चली जाते हैं फिर गल्लां के चेते रौंदियां ने हाँ जी लेकिन जंदे कुत्थे हैं जंदे ना पुआर जंदे ना जिधर आदमी का जन्म होता है जिथों आदमी आता है वापस पुज जाता उत्थे गए ये तो खैर एक डिफरेंट डिस्कशन हुई है भगवान ने इतना आदमी काम दिता कि वो जन्म लाए नहीं कई बार लोग साढ़े भुली जाते ना उन्हें कि चेता कि नहीं रोंदा कि असर वापस भी जाना है वो आखते इतने के घर है तू नहीं जाना बड़ी अनफॉर्चुनेट गल है जी जे लोगों नहीं क्योंकि सब कुछ भगवान का दिता है सब कुछ असर तो इे सीखे सब कुछ मालिक का गया है तो मालिक का गे सहारा है मालिक की याद करना चाहिए हर वेले तो भगवान की दया होती आदमी पर आदमी पुजी जाता सही जगह लेकिन ये अलावा थोड़ा एक फौजी गाना जोड़ा वो बड़ा मशहूर होया हाँ जी वो भी सुना के तुसा सी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ चेता तेरा होंदा ही रोंदा मन मेरा नहीं कड़ी भी बोंदा याद तेरी विच मेरे सजना किए नाड़ू छम छम चौंदा ओ जी नी
लगदा कलिया मेरा आसमने दिया टुटियां ओ जी नहीं लगदा कलिया मेरा आसमने दिया टुटियां कर कदों आना ओ लिए फौजी छुट्टियां कर कदों आना ओ लिए फौजी छुट्टियां कर कदों आना ओ चेता तेरा आंदा ही रोंदा मन मेरा नहीं कड़ी भी बोंदा याद तेरी विच मेरे सजना किए नाड़ू छम छम चौंदा ओ जी नी लगदा कलिया मेरा आसमने दिया टुटियां ओ जी नी लगदा कलिया मेरा आसमने दिया टुटियां कर कदों आना ओ लिए फौजी छुट्टियां कर कदों आना ओ लिए फौजी छुट्टियां कर कदों आना ओ उच्ची नक्की उपर डेरा दिए राती चेता ओ तेरा परी बंदूके कर दाओ राखी फौजन फौजी तेरा ओ नहीं नसीबे आउंदिया सजना गाउं टैमे दिया रुटियां ओ नहीं नसीबे आउंदिया सजना गाउं टैमे दिया रुटियां कर कियां आना ओ कैंसल होई गईया छुट्टियां कर कियां आना ओ कैंसल होई गईया छुट्टियां कर कियां आना ओ आसे पासे बई पसारे गल्ला कर दिया सखियां दिखी दिखी रस्ता तेरा थकी गईया अखियां ओए बिछोड़े आलिया कंदा और भी होइया उचियां ओए बिछोड़े आलिया कंदा और भी होइया उचियां कर कियां आना ओ लिए फौजी छुट्टियां कर कदों आना ओ लिए फौजी छुट्टियां कर कदों आना ओ के करा दस मेरी जिंदे चेते तेरे जीन दिंदे इस दुनिया दे लोग यो सजना इरख प्याले पीन दिंदे ओ किया सनावा गल्लाड़िये जो जो दिल ने पुछियां ओ किया सनावा गल्लाड़िये जो जो दिल ने पुछियां कर किया आना ओ कैंसल होई गईया छुट्टियां 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 कर किया आना ओ ये गाना तुसे के लिखा है एक गाना मेरे मित्र ने एक हर्ष तुंदा मित्र ते मेरी और उंदी मलैटी हुई ऑनलाइन गए फौजी नहीं नहीं फौजी नहीं हैं पर मेरे ख्याल डिफेंस से कुसे ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं ते वैसे कमेडियन हैं नो जम्मू दे ते मैं मेरी उंदे ने मलैटी हुई ते मैं आख्या के तुसे लिख दे बड़ा शैल हो ते
ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਕੁਛ ਲਿਖੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣ? ਦੇਖੋ ਲੇਟੈਸਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਆਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ, ਕਾਫੀ ਫੈਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਖ ਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਖਿਮਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਉਸੀ ਛੋੜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਆਈਏ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ, ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਕਰੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਊਐਵਰ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਆਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਆਦਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਇਹ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰੀ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਉਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਲਿਆਈ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਤਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਮੇਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਵਾਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੈਪ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟੈਪੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੁਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਦੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਈਟਮੈਨ ਕੁਦੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਕੁਦੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਅਫਕੋਰਸ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹਾ ਜੰਮੂ ਤਵੀ, ਉਸੀ ਅਮਿਤਾ ਬਚਨ ਔਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀ ਗਿਆ ਦਾ ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਸੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੀ ਕੁਛ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੈਜੂਅਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਤਵੀ ਮੇਰੇ ਜੰਮੂ ਦੀਏ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਈਏ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਆਨ ਮਿੱਤਰੋ ਤਵੀ ਮੇਰੇ ਜੰਮੂ ਦੀਏ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਈਏ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਆਨ ਮਿੱਤਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨੇ ਮੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਤਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਤਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਆਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਗੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਟੈਂਪਲ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਰੈਕੋਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਈਏ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਟਵੀਟ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਅਗਰ ਇਸੇ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮੇ ਆਪ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜੇ 10 ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਟਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਓ ਟੀ ਟੀ ਚੈਨਲ ਪਰ ਬੜੀ ਐਕਲੇਮਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਕੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਦੇ ਨੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਡੋਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪੂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਖਜੂਰੀਆ ਰੌਕਸ ਖਜੂਰੀਆ ਰੌਕਸ ਉਹ ਖੋਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਹਮ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਤੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਮੁਝੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਆ ਹਮਾਰੀ ਡੋਗਰੀ ਕੋ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਗੜਮ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਲਿੰਕਰਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਨਸੀ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਨੇ ਕਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਯਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆਵਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਨਰ ਸਾਰੇ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਸ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਇਆ ਫੋਟੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਛੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੋਨਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਰੈਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਆ ਬਣਾਈ ਉੱਠ 'ਚ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪ ਸ਼ੈਪ ਪਾਈ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ 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 ਖੈਰ ਨਵੇਂ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਆਏ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਜੌਰੀ ਕਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾ ਦੇਣ ਉਧਰਾ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਆਖਾਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸਮਸਤ ਫੌਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਵਾਨ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਹਾ ਜਦੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ੈਲਤੂਲ ਚਟਾਈ ਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾ ਉਹ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹਰ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਜਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਨਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ ਸਟੂਇਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਨੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ हाँ हो सकता शर्मांदे नहीं के कारण है वह तो मैं नहीं दसी सकता पर वो प्रोफेशनल आदमी को आन प्रोफेशनल काम करन ताइए प्रोफेशनल आउटपुट आग पित बंद करिए आपू गए बनाई ओड़दे ते आपू गए छोड़ दे ओदे नहीं ए स्पेशलाइज्ड काम है ना ते स्पेशलाइज्ड काम वास्ते स्पेशलाइज्ड लोग भी चाहिए है ना तो उस एस्ट्रोलॉजी देख दियो ते तुस पंडित कोल जांदे हो कि नहीं जांदे या आपू गए देख लैंदे तुस या तुस कोई और लाइन का कोई तुसें ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है जांदे हो डॉक्टर कोल कि नहीं जांदे तो इसी तरह ने म्यूजिक भी एक सब्जेक्ट है जियां बाकी सारे सब्जेक्ट है ये भी एक सब्जेक्ट है ये उहे कर सकदा ना जिहड़ा इहदा स्पेशलिस्ट है तो मैं नहीं आखना कि मैं खलीफा होर भी है ना मतलब कि आओ मिलो तो बनाओ मैं भी चाहना कि और जो फिल्म मेकर जम्मू के वो पता नहीं कहली डरी गए जम्मू के लोग और लोग सोचते कि पता नहीं यूट्यूब पर चला गया पिक्चर साड़ियाँ नहीं चलनियाँ या हूँ बॉम्बे के लगन गियाँ उस वेले हर जो आर्टिस्ट है वो सोचा था मैं बॉम्बे के रोल थोक मैं ताइए जागा सिंगर भी ये सोचा था मैं बॉम्बे के थोक जिले फिल्में दे रोल मैं ताइए करगा ते नहीं ऐसा भी हो सकता ना कि उन्हें कोशिश की थी और जिन्ना पैसा लाया वो उन्ना भी नहीं वापस आया नुकसान होया होगा तो फिर डर दे लगी जाता ये गल मैं थोड़ी जरूर मानना इस कारज वास्ते जोड़ा वो ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट साढ़े को भी है ऐसी गल नहीं है कि अस फ्रीज करने साढ़े को प्रोडक्शन कॉस्ट है लेकिन मैं एक जम्मू वाले का एक डोगरे का दर्द समझना क्यों कि सारी उम्र तो मी भी हुई स्ट्रगल करते 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 इंस्ट्रूमेंट खरीदने सीखना गुरुओं के जाइए मत्थे टेकने एक थार जाना दूए थार जाना जगह जगह घाट करता मैं तो इस नाम है कि ना लखनऊ के बिहार के तुस आखो बॉम्बे जम्मू तो मैं सीखता गए हाँ कोई ऐसी जगह नहीं छड़ी दी जिथे का मतलब कि नहीं सीखे कुदै कुदै ठुमरी सिखाना कुत्थै जाइए जेहड़ा ना वह फोक सिखाना उधर का सिखाना ठीक है ना ब्रज सीखी दी फिर अलग अलग म्यूजिक फॉर्म जड़ियाँ ना इंडिया दियाँ वो सीखी दियाँ वह सीखी दियाँ वो उत्थे के उस जगह की स्पेशलिटी होंगी उत्थे के जाइए सीखी जाई सकती है तो इन्ने हाथ पैर मारे दे अजकल के बच्चे इन्ना हाथ पैर नहीं मारते हैं वो सोचते हैं सब कुछ यूट्यूब उपर है नहीं चट मंगने पड़ पाया हाँ अजक लोग इन्नी मेहनत नहीं करते वो सोचते कि यूट्यूब के उपर सब कुछ है उधर के अस सीखी लगे फेमस भी होगा कर देना फेम जी है ना मेरे मी इं लगता कि फेम फेम जी है वह मालिक की दी की चीज़ है आनी कि नहीं आनी वो तो बाद की गल है पर अपने हाथ का जो काम है जो तुम्हें सीखना है जियां तुम जर्नलिस्ट हो हूँ मैं भी माइक फड़ लिया लेकिन मैं थोड़े अंगर नहीं बनी सकता क्योंकि एक तुम्हारा एक एक स्पेशल आर्ट है तुम्हें उस डिवोशन की तुम्हें इन्ने साल लाइन इस काम की और मैं वैसे भी तुम्हें भी कंग्रेचुलेट करना चाहना मैं दिखना भी होना तुम्हें ऐसा नहीं है मैं नैट के उपर दिखना तुम्हें बहुत ज़्यादा अगे प्रोग्रेस की है मेरी तरफ तुम्हें भी कंग्रेचुलेशन है बड़ी अच्छी तुम न्यूज़ भी कवर कर दो और बेवाक न्यूज कवर कर दियो तुस ए इसलिए नहीं आखा था कि आज इंटरव्यू हुआ था मैं चलो तुस मेरे बारे अच्छा बोला था मैं भी थोड़े ऐसी गल नहीं है मेरे दिल के भाव ने जो मैं थोड़े सामने व्यक्त करा ना मैं थोड़ा सारा पिछे का पता है मैं रीड करता ना उन्होंने मैं बड़े जर्नलिस्ट ने अप्रोच किया जी आइए आप हमारे साथ प्ले कीजिए पर मैं आई चोज टू ओनली प्ले विद यू बिकॉज ऑफ द इथिक्स एंड द वैल्यूज तो इसलिए मेरी तरफा तो बड़ी मुबारकबाद है नहीं साढ़े मैं इन्नी गल आखना साढ़े च अस जिन्ना भी काम करने वो लोगों वास्ते करने लोगों के दुख दर्द की समझिए करने और अस मिगी लगता है कि ये दुख दर्द अगर सारे लोग समझन तो अज सारे लोग खुश भी होगन रोना धोना पा दा कोई उत्थे रोआ करता कोई उत्थे रोआ करता तो इसी लोगों की जागरूक करना भी बड़ा जरूरी है कदों तक दवाइए लोग जड़े ने लोगों दवाइए रखे जिसी थोड़ा जहा समझ आ जाती आखता है कि मेरे कंट्रोल बिच करो तो ये थोड़ी भावना जी है इसी बदलने का एक प्रयास किया गया बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये अलावा मैं चाहगा कि जो थोड़े थोड़े जिन्हें भी गाने ने एक लोग कुत्थे सुनी सकते कुत्थे जाइए देखन और तुस थोड़े कन्ने अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो लोग कियां करन ठीक है जी मेरी जी कंपनी है जिसे अस सारा ऑडियो तो वीडियो बनाने कंपनी का नाँ है खजूरिया पिक्स प्रोडक्शंस तो खजूरिया पिक्स एट gmail.com एक स्टैंडर्ड जिहड़ा कॉन्टैक्ट एड्रैस है खजूरिया पिक्स एट gmail उत्थे तुस मी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अदरवाइज मेरा यूट्यूब चैनल है सुमित खजूरिया मेरा नाँ है सुमित खजूरिया तो वो यूट्यूब चैनल पर लोग आ दे गए काफ़ी सारा प्यार जिहड़ा वो लोग दिया दे अच्छा हूँ तुस जंदे जंदे कोई गाना सुनाने लगे हो जा कुछ और तुस लिखे दा वो सुनाना चाहते हो कि दिल दे भाव जड़े ने लोगों सामने रखना चाहते हो गाने तो मेरे काफ़ी आई चुके न हूँ तो लोग सुना दे गए यूट्यूब पर और मैंने अज तुसें सुनाए भी हैं बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत जो मैं लिखना कोशिश करना लिखने की वो तुसें सुनाई ओड़ना बिल्कुल बिल्कुल तो हम हिंदी से शुरू करते हैं फिर डोगरी पे हम आ जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी तो इस तरह से मैंने एक कंप्लेन लिखी है वो ये है कि आया कीजिए मिला कीजिए आया कीजिए मिला कीजिए
कभी तो हमसे गिला कीजिए। क्या बात है। आया कीजिए, मिला कीजिए, कभी तो हमसे गिला कीजिए, ठंडी तासीर है आपके व्यवहार की। क्या बात। ठंडी तासीर है आपके व्यवहार की, कभी तो दूसरों से जला कीजिए। कई लोग बड़े गर्म मजाज दे भी हैं। अच्छा, आगे आगे। तो जिन्हें आपू हुए ने सारे लब्दे फिर है ना। आया कीजिए, मिला कीजिए, कभी तो हमसे गिला कीजिए, ठंडी तासीर है आपके व्यवहार की, कभी तो दूसरों से जला कीजिए, बीमार दिल को ताक है तेरे आने की। क्या बात। बीमार दिल को ताक है तेरे आने की, कभी तो अपने हाथों से साहब दवा दीजिए। आया कीजिए, मिला कीजिए, कभी तो हमसे गिला कीजिए। एक उसे कुड़ी आखा कर दो यार लाइन। नहीं नहीं नहीं, मेरा कुड़ियां ला नहीं, मैं भगवान की आये नाये रखिए ते गुप्त दान करना फितरत है आपकी। क्या बात। गुप्त दान करना फितरत है आपकी, कभी तो जताने वालों की दुआएं लीजिए। और रहिए मसरूफ अपने काम में बेशक, और रहिए मसरूफ अपने काम में बेशक, कभी तो वक्त निकाल कर खबर लीजिए। आया कीजिए, मिला कीजिए, कभी तो हमसे गिला कीजिए। ये सारियां गल्लां तुसे ईश्वर वास्ते लिखियां? हाँ जी। एक्चुअली वैसे कियां तुहाडे दिमाग विच ये गल आई है? ये तो सर ये दसना बड़ा मुश्किल है। एक तो भाव आंदा दिमाग दे विच, वो कियां आंदा, कुदर आंदा, ये तो भगवान के जानता है। मी लगता कि सब कुछ पहले का होया, ये भगवान उपर आइया घंटी बजाता तो आदमी सोचता कि मैं किता, मैं किता, किता कुछ ने भी, सब कुछ पहले का जरा रचे दा है। तो अस सिर्फ उसी एक जरिया बनी जाते हैं जोड़ा अस लोगों के सामने उसी प्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पोएट, हाँ एज ए पोएट ठीक है, कोई आइडिया आता है बंदे के दिमाग से, वो कोशिश करता है लिखने की, उसी दिमाग पहले सोचता रहा, फिर कई बार उपरा आमद होती, तुम्हें सोचना भी पाँगा, फटाफट तुम तुआरी लेंदे हो एकदम, ये होंगे आम हों। चलो हूँ मैं तुम्हें एक डोगरी सुनाई ओड़ना, फिर एक अद्ध कोई ये डैथ के उपर लिखी दी। अच्छा। कोई बिपदा आई बगैर सुनाए, बैन पोए बैन पौन हाए माए हाए माए। अच्छा। बिपदा आई बगैर सुनाए, बैन पौन हाए माए हाए माए, तिनका तिनका करी जोड़ी दी ही जिंदगी, तिनका तिनका करिए जोड़ी दी ही जिंदगी, पाप का घड़ा बिंद नहीं संभलोए। क्या बात है। तिनका तिनका करी जड़ी जोड़ी दी ही जिंदगी, पाप का घड़ा बिंद नहीं समलोए, बिपदा आई बगैर सुनाए, बैन पौन हाए माए हाए माए। कोई पता नहीं कदों आई जानी। बिल्कुल जी। हिक लाई लाओ हद कोला बद, हिक लाई लाओ हद कोला बद, ते फी खजल खुआरी थाए थाए। बिल्कुल। बिपदा आई बगैर सुनाए, बैन पौन हाए माए हाए माए, उसी भी किश आख ही नहीं सकते, उसी भी किश आख ही नहीं सकते, जेड़ा अद्धे रस्ते छोड़ी आए। कुसी जेड़ा छोड़ी आ। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। उसी भी किश आख ही नहीं सकते जेड़ा अद्धे रस्ते छोड़ी आए, बिपदा आई बगैर सुनाए, बैन पौन हाए माए तिनका तिनका करी जोड़ी दी ही जिंदगी, ते पाप दा घड़ा बिंद नहीं समलोए, बिपदा आई बगैर सुनाए। ये तो तुसे कमाल दा लिखिया, कमाल दी लाइना लिखिया। ये तुस अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हो? कई 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 बार मैं पोएट्री मैं जड़ी है वो यूट्यूब पर भी करी ओड़ना, लोग उसी पसंद भी करते हैं। अच्छा। ते बड़ा प्यार मिला लोकें ही। मैं चाहना यही है कि थोड़े हारे जड़े लोग उसी शेयर भी आपू गै करन, हर बारी नहीं आखन होता लोकें ही कि हूँ तुम शेयर करो। मेरी ये अपील है कि लोग अगर इसी मटीरियल की शेयर करगन तो लोग जोड़ा वो सुनने वाला जोड़ा वो भी मन च भाव आएंगे तो वह भी लिख, तो फिर साढ़े को डोगरी ज़्यादा मटीरियल होग, ज़्यादा मटीरियल होग तो ज़्यादा मटीरियल भी लोगों के सामने आग, फिर ज़्यादा मटीरियल लोगों के सामने आग तो वह क्या होना, वह साड़ी जी है वो बेस जरा पक्का हो जाना, तो डोगरी जी शैल खिलग तो फुलग भी। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी मता मता शुक्रिया, तुसे असें गी समय दिता, टाइम दिता। थैंक यू। तो अस अपील करके थोड़े को, अगर तुसें गी इंदे गाने, सुमित हुंदे गाने अगर तुसें गी पसंद आते तो जरूर इंदे यूट्यूब चैनल उपर जाओ तो उसी दिखो भी तो शेयर भी करो। ये अलावा अगर जियां नवें आर्टिस्ट हैं कि प्लेटफॉर्म दिया करदे ने, तो अगर तुसें गी इंदे कन्ने जुड़ना है तो इन्हें अपनी मेल आईडी सुनाई है उदे उपर जाओ और मेल करो, इंदे कन्ने कॉन्टैक्ट करो, तो आओ अपने कल्चर की प्रमोट करो, सारे मिली जुलिए के करगन ते कुछ नवा निखरिए और निखरिए सामने आ, नहीं तो फिर दबोई के जाना है, फिर ये रोना कलद पैदा रोना, वो वाला आया उन्हें आइए असी दबाया, उन्हें असी करना नहीं दिता,
इस जिहड़े भावन इन्हें दूर करने का एक ही तरीका है कि मिली जुलिए काम करो। बाकी तुम देखते रहो दैनिक स्टैंड समाचार मुगी, तो मेरे कैमरामैन की दियो इजाजत, अरुण डोगरा होरें की नमस्कार।